नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है एमपी मांगे एंटी रोमियो स्क्वाड। एक तरफ यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड धड़ाधड़ कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कहीं छेड़खानी, कहीं अपहरण तो कहीं रेप, यानी हर तरफ सताई जा रही लड़कियों की खबरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो खबरें हैं जो कहती हैं कि मामा के राज में भांजियों की खैर नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यहां भी यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन क्यों नहीं किया जाता। सरकार युद्ध स्तर पर किसी ऐसे एक्शन प्लान को अमल में क्यों नहीं लाती जो मजरूहों के साथ सख्ती से डील करे। छेड़छाड़ का दंश झेलती कितनी बेटियां, जिंदगी हारती कितनी लड़कियां, इज्जत गंवाती कितनी लाड़लियां। मार्च 2017, ग्वालियर में छात्रा ने की खुदकुशी। ग्वालियर के लखे रागली इलाके की रहने वाली नवी कक्षा की छात्रा वंशिका छेड़छाड़ से इस कदर परेशान हो गई कि 22 मार्च की देर रात उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वंशिका के परिजनों का कहना है कि उसे पास में रहने वाले लड़के रोज छेड़ते थे और इससे वो बेहद परेशान थी। आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। टीकमगढ़ में नाबालिग ने दी जान। टीकमगढ़ जिले के हटा गांव में 11वीं कक्षा की एक बच्ची इस कदर टॉर्चर हुई कि उसने ढेर सारी क्लोरोफिल की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी। मृतका को अरसे से एक शौहदा तंग कर रहा था। वो न केवल फोन करके उससे अश्लील बातें करता बल्कि उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। जब ये प्रताड़ना सहना मुश्किल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। 17 मार्च 2017, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में रहने वाली 17 साल की करिश्मा विश्वकर्मा ने बीते 17 मार्च को सुसाइड कर लिया। एक युवक उसे मोबाइल पर लगातार मिस कॉल देकर और एसएमएस करके परेशान किया करता था। उसने इसकी शिकायत 2 माह पहले थाने में की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार करिश्मा ने खुदकुशी कर ली। 21 मार्च 2017, भिंड में जानलेवा हमला। भिंड के मुरलीपुरा गांव में एक लड़की को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। आरोपियों ने लड़की के घर पर हमला बोल दिया। हमले में लड़की का चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़की का परिवार ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। पास के गांव में रहने वाले आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती की कोशिश की तो उसने चाचा से इसका प्रतिरोध किया। उस वक्त तो आरोपी लौट गया पर कुछ ही देर में वो दर्जन भर साथियों के साथ लौटा और उसने पूरे परिवार को अपने गुस्से का निशाना बनाया। 15 मार्च 2017, भोपाल का सिर फिरा मजनू। भोपाल के कोलार इलाके में एक सिर फिरे आशिक ने कहर ढाया। उसने सरेराह एक युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया। युवती को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है और एक तरफा प्यार के चक्कर में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 14 मार्च 2017, विधायक पुत्र पर आरोप। टीकमगढ़ में बीजेपी विधायक के श्रीवास्तव के बेटे पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा। घटना सुनोरा खिरिया स्थित विधायक के कथित फार्म हाउस की है। हालांकि विधायक के श्रीवास्तव ने बेटे पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। 16 मार्च 2017, भोपाल में किडनैपिंग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की रहने वाली एक लड़की को भोपाल में बंधक बना लिया गया। लड़की काम की तलाश में यहां आई। भोपाल स्टेशन पर मनोज और राज नाम के लड़कों ने उसे बहला फुसलाकर बंधक बनाया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से लड़की किसी तरह आजाद हो पाई। ये तमाम घटनाएं 1-1.5 हफ्ते के अंदर घटी जो ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश बच्चियों के लिए किस कदर असुरक्षित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये बीते 15 दिनों की कुछ ऐसी घटनाएं जो ये बात पूरी तरह स्पष्ट कर देती हैं कि भांजियां मध्य प्रदेश में महफूज कतई नहीं है। तो क्या ऐसे में किसी एक नए स्क्वाड की जरूरत है जो बाकी के प्रदेशों में काम कर सकते हैं? क्या उसकी आवश्यकता यहां नहीं है? इस पर आज हम बात करेंगे। चूंकि मुद्दा आपसे जुड़ा है, आपकी बात को अब आप लाइव देख सकते हैं ट्विटर पर भी।
दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो ट्विटर पर आप इस समय सीधे लाइव भी देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा और एक्सपर्ट को भी सुन सकते हैं। एक्सपर्ट के पास जाएं, उनका परिचय आपसे कराएं। उसके पहले एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर के बीजेपी महिला विधायक क्या कहती है, देखिए। मामला कल का ही है भोपाल का, कि एक बिटिया को ऐसे ही कोई मंजले छेड़ रहे थे और उसके साथ में जो सड़क पे शेष लोग खड़े थे उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। बेटियों को भी हिम्मत रख के इन बुराइयों से निपटना होगा और हमें खुद अपनी आत्मरक्षा आत्मबल बढ़ाते हुए करनी होगी। आप जानते हैं हम और हमारा संगठन तो निरंतर बेटियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देता है। समाज में हर तरीके के लोग हैं, लेकिन इस तरीके के लोग जो सम्मान से महिलाओं को बेटियों को नहीं देखते हैं, खासकर जो कम उम्र की बच्चियां हैं, उनके विरुद्ध तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोग साइको होते हैं जो बेटियों को इस तरह की नजर से देखते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अपन को और महिलाओं को और सुरक्षा देने की जरूरत है, तो दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की महिलाओं को सुरक्षा देना माने कहीं न कहीं महिलाओं को कमजोर समझना है, इसलिए मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। स्त्री के अगर सम्मान में ठेस पहुंचेगी तो उसके खिलाफ जरूर ऐसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने सुरक्षा के पहले से भी पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो कोई भी चीज को स्वीकार करने में जरूरत नहीं है, जरूर करेंगे। मजनुओं को सबक जरूर सिखाएंगे। हमारे यहाँ पहले से ही व्यवस्था है, हमने उसका नाम एंटी रोमियो नहीं रखा, मजनू नहीं रखा, एंटी लैला एंटी मजनू ऐसा हमने नहीं रखा, लेकिन हमारी निगरानी उस पर है, नजर उस पर है। हमने कॉलेज कैंपस में, स्कूल कैंपस में सिविल ड्रेसेस में अपने पुलिस के कर्मचारियों को वहाँ पदस्थ करके रखा है। प्रदेश में बनना चाहिए एंटी रोमियो स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमारे यहाँ बच्ची है स्कूल कॉलेज की जाती है, यहाँ भी मजनुओं द्वारा उनको असभ्यता का उपयोग किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, निश्चित है मध्य प्रदेश में भी आवश्यक है। तो चलिए इस विषय पर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे साथ में आज तीन बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं। रश्मि खरिया जी हैं सीएसपी भोपाल, मांडवी चौहान जी हैं अध्यक्ष मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की, माला ठाकुर जी हैं प्रभारी, दुर्गा वाहनी की। आप तीनों का इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, तीनों से हम चर्चा करें। एक बार फिर आपको याद दिला दें, ट्विटर पर आप लाइव आपकी बात को इस वक्त देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले, चूंकि आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, पुलिस से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं और किसी को सुरक्षा प्रदान करने की, महिलाओं को भी। रश्मि जी, पहला सवाल यही है कि यहाँ किसी स्क्वाड की जरूरत है, और अगर कोई स्क्वाड पहले से काम कर रही है तो क्या कमियां हैं या क्या बाउंडेशंस हैं उनकी? रश्मि जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, सभी को नमस्कार। जैसा कि मध्य प्रदेश में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए काफी प्रयास चल रहे हैं, यहाँ पर पुलिस मुख्यालय में महिला अपराध शाखा की स्थापना की गई है, महिला सेल है, महिला थाने हैं, निर्भया मोबाइल चलाई जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से स्क्वाड जैसी कोई आवश्यकता है। बस हमें इनको और स्ट्रेंथन करने की और अवेयरनेस लाने की जरूरत है। जितने भी हमने कानून बनाए हैं, जितने भी हमने सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, महिलाओं को पता चले, बच्चियों को पता लगे, उसमें अवेयरनेस आए, और थोड़ा सा टू वे जो काम है, संवेदनशीलता, चाहे वो सोसाइटी की संवेदनशीलता हो, हमारे पुलिस विभाग में हो, अलग अन्य प्रशासनिक विभागों में, ये थोड़ी सी अगर हम सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि जो समस्याएं सामने आती हैं वो उसका निराकरण आसानी से होगा। छेड़खानी से युवतियों का, महिलाओं का, बच्चियों का, स्टूडेंट्स का, जो स्कूल जाती हैं उनका अपनी जान तक ले लेना, ये एक पखवाड़े में कई सारे केसेस हमने सामने रखे हैं। अगर ये बात सही है रश्मि जी, तो फिर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तो कमी है। मांडवी जी, कहाँ कमी है? क्या जो सिस्टम है, क्या जिस तरह की सिक्योरिटी है, क्या जिस तरह से अभी की व्यवस्था है वो पर्याप्त है? क्या यहाँ किसी स्क्वाड की कोई आवश्यकता नहीं दिखती? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पुलिस व्यवस्था की बात हमारी बहन रश्मि जी कर रही हैं, पुलिस व्यवस्थाएं पूरे मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था में चूक हो रही है, और उस चूक के कारण ये हमारे जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं जहां रोमियो की बात आती है तो हमें जरा ध्यान देना पड़ेगा किस क्षेत्र में किस टाइप के लोग हैं, तो थोड़ी हमें उन पर नजर रखनी पड़ेगी। और जहां व्यवस्थाओं की बात है तो पुलिस प्रशासन ने इतनी व्यवस्थाएं दी हैं और उनका क्रियान्वयन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये चीज हमें सबसे पहले देखनी होगी। कि जहां बात होती है महिलाओं की व्यवस्था की या सुरक्षा की, जब हम थाने पहुंचते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो रिपोर्ट
हमारी कई बार लिखी जाती कई बार नहीं लिखी जाती है। कोलार थाने की जैसी अभी बात सामने आई है कि जब वो बच्ची रिपोर्ट लिखवाने जाती है कि मेरे साथ छेड़खानी हो रही है तो पुलिस उस तरफ ध्यान नहीं देती है। जब उसके साथ हादसा होता है तब कहीं हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है। अगर हम उस चीज पे पहले ध्यान देते तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं बनती। जैसा कि आपने बताया ग्वालियर की घटना हुई है, ग्वालियर के बाद कल की भोपाल उस जगह की घटना है जो एमपी नगर है जहां पूरा मतलब मध्य प्रदेश के बच्चे यहां स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस जगह ऐसी घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं तो इसमें पुलिस की दोष नहीं बोलूंगी कि पुलिस दोषी है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है जिस कारण से इस प्रकार से हमारी बच्चियों के साथ खेला जा रहा है। उनके रेप की घटनाएं जो लगातार घट रही हैं आपने अभी देखा होगा, पिछले दिनों आपने चर्चा नहीं की, कोलार पर एक हमारे शिक्षा के मंदिर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, एक अभी कुछ दिन पहले अवधपुरी में भी वैसी ही सेम घटना घटी है, वहां भी एक बच्ची के साथ रेप होता है। टीकमगढ़ में तो आप क्या कोई अलग स्क्वाड बननी चाहिए? आज का सवाल यही है कि क्या कोई अलग स्क्वाड बननी चाहिए जिसकी एक स्वतंत्र पहचान हो? मांडवी जी, क्या कोई एक अलग स्क्वाड साइड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है? जो साइड बनी है उनका क्रियान्वयन किया जाए, ठीक है, साइड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं दी गई है पुलिस प्रशासन में, उन व्यवस्थाओं को हम सही से चलाएं और उन व्यवस्थाओं का हम क्रियान्वयन सही से करें। नई व्यवस्था अभी उन्होंने यूपी की जो आप बात करना चाह रहे हैं, नई व्यवस्था दी है तो जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं होगा जब तक हम उसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। बात हम अभी वो कर रहे हैं कि जो हमें व्यवस्थाएं दी है, चाहे व्यवस्था में कसावट हो, सुधार हो, या आपका पॉइंट जो भी व्यवस्था यहाँ दी गई है, ठीक है, पुलिस प्रशासन उन व्यवस्था कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं लचर है। और जहाँ बात करते हैं, दो एक मिनट में बोलना चाहूंगी, जहाँ हम बात करते हैं मामा हमारे शिवराज सिंह चौहान है, भाई हमारे शिवराज सिंह चौहान है, कहीं नहीं कहीं उनका दिमाग इस तरफ नहीं पहुंच रहा है, वो यात्राओं में लगे हुए हैं और यहाँ उनकी बच्ची यहाँ उनकी भांजियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो थोड़ा उन्हें भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं नहीं कहीं प्रशासन की तरफ उन्हें ध्यान देना ही होगा। और पुलिस प्रशासन की जहां बात है, जितनी व्यवस्थाएं उन्हें दी गई हैं, अगर हम उन व्यवस्थाओं पर खरे उतरते हैं तो ऐसी घटनाएं, चलिए सरकार और प्रशासन को खामियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जहां एक नशा मैं दो एक सेकंड बोलना चाहूंगी, जहां जो नशा जहां बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं नशे की हालत में ये स्थितियां भी बनती है तो इन रोमियों की तरफ भी पुलिस आऊंगा आपके पास, कारणों के लिए भी आऊंगा आपके पास, एक एक करके हम कारणों पर भी बात करेंगे। दुर्गा वाहिनी की प्रभारी माला ठाकुर जी भी हमारे साथ में। माला जी, आप लगातार काम करते हैं, आप तो ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों को, खासतौर से बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, वो ना डरें। क्या जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं इसमें छेड़खानी को सीरियसली नहीं लिया जाता ये नजर आता है, शिकायतें नहीं पहुंचाते लोग ये नजर आता है, या जो व्यवस्था है इसमें किसी एक नई और एक यूनिक व्यवस्था की आवश्यकता है जैसा कुछ प्रदेशों में हो रहा है? मुझे इसमें ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अलग अलग कदम उठाए हैं उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से होना चाहिए। चाहे हम शौर्य दल की बात करें या महिला पीसीआर की बात करें, संगिनी हेल्पलाइन की बात करें, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी तो हैं लेकिन उनका व्यवस्थित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। WDC सेल जो महिला महाविद्यालयों में और महिला विद्यालयों में होता है उसमें भी उसका जो अनुपालन होना चाहिए उस नियमावली के अनुसार नहीं हो पा रहा, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद रश्मि जी के पास इस सवाल के साथ हम जाएंगे कि अगर ये सारी व्यवस्थाएं, अगर ये सारी हेल्पलाइन, ये सारे नंबर अगर लोगों के पास में मुहैया हैं प्रचार के साथ साथ में, तो क्या इन केसेस को सीरियसली नहीं लेना, या कहीं कोई कानूनन खामी वो देखते हैं, या कार्रवाइयों में कमी देखते हैं, शिकायतों में कमी देखते हैं? इस सवाल के साथ में लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापस आ रहे हैं। चलिए सीधा हम रश्मि जी के पास चलेंगे, रश्मि खरिया जी, CSP भोपाल। रश्मि जी, कुछ तो लूप होल्स होंगे ये सभी मानते हैं, व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, काफी हद तक प्रचार भी हो रहा है, प्रचार की कमी, शिकायतों को सीरियसली ना लेना, स्टाफ की कमी या लोगों का सामने ना आना, किसको आप बड़ी वजह मानती हैं? कुछ तो लूप होल्स हैं। रश्मि जी, रश्मि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कोई एक लूप होल्स नहीं, सभी मिला जुला। जी 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 बिल्कुल।
जी जी, इसको हम मिला जुला रूप मान सकते हैं, कोई एक कारण इसके पीछे नहीं होता है, मिले जुले होते हैं, कभी किसी घटना में कोई कारण होता है, कभी कोई कारण होता है, और उस सबके लिए फिर दूसरी कार्रवाइयां भी होती हैं, जिसकी गलती होती है उसकी गलती की जांच करके और सजा और या वो प्रतिक्रिया दी जाती है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि चाहे वो पुलिस हो, सोसाइटी हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, सब जगह अवेयरनेस की काफी जरूरत है, जो कि धीरे धीरे लड़कियों में, बच्चियों में, और चाहे वो लड़के भी हों, सभी में अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी उसका प्रतिशत कम है। और लगातार जो हमारे महिला अपराध शाखा है, पुलिस प्रशासन है, इनके द्वारा लगातार कार्रवाइयां भी चल रही हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में समझ संगनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि पूरा शहर और गांव में जितनी भी आशा उषा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई जो रोजमर्रा में आसपास घटनाएं देखती हैं, उनको जोड़ा जा रहा है कि अधिक से अधिक हमें सूचनाएं प्राप्त हों और हम उस पर कार्रवाई करें। इसी तरीके से जो पुलिस महकमा है उसको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि एक कॉमन पॉइंट है, चूंकि आप खुद भी एक महिला हैं और आप लड़कियों के बीच में जाकर जाहिर तौर पर कैंपेन चलाती होंगी, लेकिन पुलिस से अभी भी लोग खौफ खाते हैं। दूसरी बात ये कि शिकायतें फ्रीक्वेंटली अगर पहुंचती भी हैं, जितनी खबरों में हम देखते और दिखाते हैं, इसमें जो शिकायतें पहुंचती हैं, ऐसा लगता है कि सीरियसनेस की थोड़ी कमी, ईव टीजिंग को अभी भी हम थोड़ा कमतर आंकते हैं, और जब वो सीरियस केस बन जाता है तब उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है, इंक्लूडिंग मीडिया, ऐसा लगता है। यही मैंने आपसे कहा कि कभी ऐसा किसी घटना विशेष में होता है और लगातार जो है सेंसिटाइज किया जा रहा है इस चीज के लिए, नए नए कानून बन रहे हैं और टू वे प्रोसेस है कि लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है और पुलिस विभाग में भी लगातार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, कानूनों से अवेयर कराया जा रहा है। पुलिस जो विवेचक है या जांच करता है उसको भी जिम्मेदारी डाली जा रही है कि अगर आप ये नहीं करते तो आपको इस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी। पॉक्सो एक्ट में है, चाहे SC ST एक्ट में है, महिला रिलेटेड जितने भी हैं, तो उसमें उत्तरदायी बनाया जा रहा है लगातार। चलिए माला जी, एक सवाल आपसे भी कि आपने जितना अभी तक एक्सपीरियंस लिया इन तमाम केसेस में, मैं भी आपसे वही सवाल पूछूंगा, ये हम सीरियसनेस की कमी लोगों की माने कि वो शिकायतें लेकर पहुंचते नहीं, या पुलिस का वैसा इम्पैक्ट अभी तक नहीं बन पाया जैसा युवतियों के मन में होना चाहिए, वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि वो शिकायत कर सकें, और जो शिकायतें आती हैं उनको सीरियसली शायद नहीं लिया जाता, ये ज्यादातर केसों की मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है? मुझे इसमें ऐसा लगता है कि पहली चीज, हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं वहां कोई भी लड़की या कोई भी महिला इस प्रकार की किसी घटना को सामाजिक करने में थोड़ा सा हिचकती है, और दूसरी बात, जब भी हम किसी थाने में या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं तो शायद वो सब बातें हमारे लिए प्राथमिकता हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है, ध्यान में आता है कि हम भी कुछ बहनों के साथ जब थाने जाते हैं तो वो बातें प्राथमिकता नहीं रहती, और भी बहुत सारे काम उनके पास होते हैं। इसीलिए जो आज IBC 24 ने एक नया मुद्दा उठाया है कि मध्य प्रदेश के लिए भी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक अलग से कोई हेल्पलाइन और अलग से कोई ऐसा स्क्वाड होना चाहिए जो केवल उसी काम को करे। लेकिन स्क्वाड के साथ में या किसी भी व्यवस्था के साथ में, स्क्वाड तो चूंकि अभी इस समय चर्चा में है, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम एक व्यवस्था ऐसी हो, एक ऐसा यूनिक नंबर हो जिससे कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में कोई महिला, कोई युवती, कोई छात्रा डायल करते समय हिचकिचाए नहीं, उसको ये पता हो, उसको एक कॉन्फिडेंस हो कि इस पर डेफिनेटली उसको मदद मिलेगी और वक्त रहते मिलेगी। रिस्पॉन्स टाइम भी एक बड़ा एक रोल प्ले करता है। जितनी भी शिकायतें अब तक होती हैं माला जी, ऐसा लगता है कि उनमें शायद डिसीजन लेने में या कार्रवाई होने में देर होती, क्या ये भी बड़ी वजह कि लोग शिकायतों से कतराते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। बार बार किसी लड़की के साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटी है, बार बार अगर उससे उसी बात के लिए पूछा जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, और इसीलिए 2 या 3 बार बातचीत करने के बाद, 2 या 3 बार वहां तक जाने के बाद वो और उसके परिवार वाले अपना पैर पीछे कर लेते हैं, क्योंकि शिकायत को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती। अधिकतम केसों में ये बात सामने आई है कि जिस प्रकार की संवेदनशीलता की आवश्यकता है उस प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती, ये कहकर के कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो आपसी सहमति से, आपसी बातचीत करके आप लोग इसका निदान कीजिए तो बेहतर होगा, इन सब छोटी छोटी बातों के लिए थाने में आने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की समझाइश जब बार बार मिलती है तो लोग इसके लिए पैर पीछे करते हैं।
मांडवी जी, अंतिम बात ये, क्या लगता है कानूनों का सख्त होना इसका हल है, थानों का ज्यादा संवेदनशील होना इसका हल है, लोगों का जागरूक होना होकर के खुद ही अपना सेल्फ डिफेंस में लग जाना इसका हल है? क्या लगता है किस स्तर पर काम चाहिए? देखिए, लोगों का जागरूक होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमने अपनी बच्चियों को इस ओर हमें बच्चियों का ध्यान आकर्षित करना होगा कि हमें घर से बाहर निकलना है तो किन चीजों पर ध्यान देना है। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगी कि जहां अगर हमारी बच्चियां जहां हॉस्टल है या जहां हमारे स्कूल कॉलेज है उनके पास भी पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि रोमियो तो हर गली में आपको नजर आएंगे। तो जब ऐसी व्यवस्था है जहां होंगी तो रोमियो डरेंगे और वहां से भागेंगे। और बच्चियां आज जब स्कूल कॉलेज के लिए जाती है या अन्य कोचिंग के लिए जाती है तो कई ऐसी जगह होती है पब्लिक प्लेस पर जहां लड़के इकट्ठे खड़े होते हैं, और जब वो बच्चियां वहां से निकलती है तो या तो उन्हें कमेंट्स किया जाता है या उनके पीछे गाड़ी लेके भागते हैं। तो लड़कियां कहीं ना कहीं डर जाती है, और डर के मारे भी लड़कियां कहीं, जहां जैसे आपने भी देखा है कि ग्वालियर में सुसाइड किया है, हमारे टीकमगढ़ में किया है, नरसिंहपुर में किया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मामा हमारे इस मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं और हम सबके भाई हैं, उनके राज में भांजियां सुरक्षित नहीं है। जब से हमारे मामा लगातार भांजियों की बात कर रहे हैं, भांजियों के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से मामा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जब से लगातार मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध की सीमा इतनी हो गई है कि हमारी 3 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की मां बहन और माता है सुरक्षित नहीं है। तो ये कैसा राज है हमारा कि जिस राज में जो शिवराज का राज है, इस राज में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो इस व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है, और मामा को इसी ओर ध्यान देना होगा, चाहे मामा की बेटी हो, चाहे हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, कहीं ना कहीं तो व्यवस्थाएं कमजोर है और उन व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना होगा। जैसा कि हमारी बहन रश्मि ने कहा है कि सारी हमारे पास योजनाएं हैं और उन योजना के तहत आपके काम हो रहे हैं, लेकिन अगर वो योजनाएं उन आखिरी छोर पर बैठी हमारी बहन बच्ची माता या आदिवासी बहन तक पहुंचे तो शायद ये चीजें हमारी कम होंगी। और जहां एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो उसको हम घर से क्या समझा के भेजेंगे कि बेटा आपको सुरक्षित रहना है, आपका मंदिर का पुजारी आपके साथ रेप कर लेगा। तो ऐसी जहां घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं हमें इन घटनाओं पर ध्यान देना होगा। और मध्य प्रदेश आज एक ऐसा राज बन गया है कि जहां जैसे ही पेपर सुबह हम लोग पढ़ते हैं, टीवी खोलते हैं, तो दिल दहल जाता है। मिलाकर लोगों के जागरूक होने के साथ साथ सरकार को भी अपने वायदे निभाने पड़ेंगे, जो कहते हैं उसको करके दिखाना पड़ेगा। ये कमोबेश आपकी सारी बातों का सार हम निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि छेड़खानी एक छोटा सा शब्द शायद आपको लग सकता है, लेकिन जिस पर बीतती है वो बेहतर जानता है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि छेड़खानी इस हद तक बढ़ गई कि लोगों को अपनी जिंदगी उसके आगे कमतर या सस्ती लगने लगी और युवतियों ने बच्चियों ने अपनी जान तक ले ली। ऐसी नौबत ना बने, आप भी जागरूक रहिए। पुलिस अपने काम को सजगता से अंजाम तभी दे पाएगी जब आप उसके पास फौरन शिकायत करें और रिस्पांस टाइम भी कम। उम्मीद करेंगे कि ऐसा प्रदेश में होता दिखाई पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। नमस्कार।